अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड ट्रांसफॉर्म्स के सिलसिले की इस वीडियो में मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँगा। वो है रेजिड्यूज़, पोल्स एंड रेजिड्यू इंटीग्रेशन। पहले मैं रेजिड्यूज़ और पोल्स के बारे में बताऊँगा और फिर एंड पे जो है वो रेजिड्यू इंटीग्रेशन की कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो मेन टॉपिक पे आने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होना ज़रूरी है, वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ और साथ उनकी एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन है ज़ीरोज़ ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स, कि हमें अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर एफ ऑफ जी गिवन है तो उसके ज़ीरोज़ कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो उसके ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन हमें गिवन है उसको इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं और वहाँ से उसके रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो उस इक्वेशन के रूट्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ दैट फंक्शन। अब मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी स्क्वायर माइनस वन और इसके हमने ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो हम सिंपली इस फंक्शन को इक्वल टू ज़ीरो रख लेंगे, ठीक है, और वहाँ से इसको फैक्टर आउट करके या जिस भी तरीके से हमने इसको सॉल्व करने करके उसके जो आंसर्स आएंगे जी इक्वल टू वन और जी इक्वल टू माइनस वन वो ज़ीरोज हैं इस फंक्शन एफ ऑफ जी के, ठीक है। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सिंगुलैरिटी की। तो सिंगुलैरिटी जो है वो डोमेन के ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे फंक्शन एनालिटिक ना हो, यानी फंक्शन उन पे एग्जिस्ट ना करता हो। तो उसके लिए जो हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स फेस आते हैं वो रेशनल टाइप के फंक्शंस होते हैं। जस्ट हम देख लेते हैं कि उसके जो डिनोमिनेटर है वो किन वैल्यूज़ पे ज़ीरो है, यानी ज़ीरोस ऑफ डिनोमिनेटर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं। वैसे मैं सिंगुलरिटी पे एक कम्प्लीट लेक्चर अलग से कर चुका हूँ, तो वो अगर आप देख लें तो सिंगुलरिटी जो है किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से चेक करते हैं कि वो डोमेन में है या नहीं, वो उस लेक्चर में डिटेल से गिवन है। तो मैं एक एग्जांपल है एफ ऑफ जी इक्वल्स टू वन माइनस जी, इसकी जो है सिंगुलैरिटीज़ फाइंड करूँगा। तो डिनोमिनेटर को मैं इक्वल टू ज़ीरो रखूँगा सिंगुलैरिटीज़ के लिए और उसके ज़ीरोस कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ से जी की वैल्यू वन आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ जी है उसकी एक सिंगुलैरिटी है और वो है जी इक्वल्स टू वन, और सिंगुलैरिटी को सिंगुलर पॉइंट भी कहा जाता है। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है पोल ऑफ ऑर्डर एम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक है रेजिड्यू इंटीग्रेशन वो इसी पर बेस करता है कि हम देख लें कि पोल जो है या नहीं है, और अगर पोल है तो किस ऑर्डर का है, उसके हिसाब से फिर हम रेजिड्यू का जो है वो फार्मूला लगाते हैं और रेजिड्यू इंटीग्रेशन जो है आगे परफॉर्म करते हैं। तो किसी फंक्शन को अगर वो एक पंक्चर डिस्क में जो है वो एनालिटिक है, तो फिर हम अगर उसको इस फॉर्म में लिख सकें जो आपके सामने है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू फाइव ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट पावर एम, तो हम उसको कहते हैं कि एफ ऑफ जी का एक पोल है जी नॉट पर और उसका ऑर्डर है एम। अब जो पंक्चर डिस्क है, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक डोमेन है इस तरह से और इस सारी डोमेन में जो है फंक्शन एनालिटिक है लेकिन उसके अंदर एक सिंगुलरिटी है जी इक्वल टू जी नॉट की सपोज, और इस पे जो है वो एनालिटिक नहीं है सिंगुलरिटी पे, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि ये एक पंक्चर डिस्क है और इसके अंदर अगर हम फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकें कि जो है हमारे पास एफ ऑफ जी जो है वो इस फॉर्म में आ जाए कि वन ओवर जी माइनस जी नॉट अलग आ जाए, यानी जो सिंगुलरिटी है वो अलग आ जाए और जो बाकी पार्ट है जो सिंगुलर नहीं है एनालिटिक है वो अलग आ जाए, तो हम कहते हैं कि जी इस फंक्शन में एक पोल है और वो ऑर्डर एम का है। तो बेसिकली जो हमें फंक्शन गिवन होते हैं उसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको फैक्टराइज कर लेते हैं और देखते हैं उसमें फैक्टर्स की पावर्स क्या हैं, तो जो फैक्टर की पावर होगी उसके हिसाब से हम जो है उसका पोल कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर याद रखना है कि अगर जो हमारे पास पोल ऑफ ऑर्डर वन होगा उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास सिंपल पोल है, तो जो जिसमें सपोज जी माइनस जी नॉट की पावर वन आएगी उसको हम कहेंगे कि ये सिंपल पोल है। अब एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि ये वन ओवर जी इंटू जी माइनस वन पावर फाइव है, इसको हमने देखना है कि इसमें पोल्स हैं या नहीं है, और अगर वो पोल्स हैं तो वो किस ऑर्डर के हैं। तो अगर मैं इसकी सिंगुलैरिटीज़ कैलकुलेट करूं तो इसकी दो सिंगुलैरिटीज़ आएंगी, एक जो है जी इक्वल टू ज़ीरो है और एक जी इक्वल टू वन है। तो मैं अगर जी इक्वल टू ज़ीरो से फैक्टर बनाऊँ तो वो बनेगा जी माइनस ज़ीरो यानी जी, और जी इक्वल टू वन से अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो वो बनेगा जी माइनस वन। तो अब मैं देखता हूँ कि z की पावर यहाँ पे है 1 और z माइनस वन की पावर है 5। इसका मतलब है कि इससे बनने वाले फैक्टर जो है वो उसकी पावर 1 है और इससे बनने वाले फैक्टर की पावर जो है वो 5 है। तो ये जो पोल है ये सिंपल पोल है यानी फर्स्ट ऑर्डर का पोल है, और ये जो पोल बनेगा हमारे पास ये हमारे पास फिफ्थ ऑर्डर का पोल बनेगा। तो यहाँ पे
जो जीरो इज पोल ऑफ ऑर्डर वन एंड जी इक्वल्स टू वन इज पोल ऑफ ऑर्डर फाइव। तो इस तरीके से हम पोल्स कैलकुलेट करते हैं। इनको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और एग्जांपल कंसिडर करता हूँ कि हमारे पास सपोज एक ये फंक्शन है एफ ऑफ जी इक्वल टू 2z+5 ओवर दीज फैक्टर्स। अब ये ऑलरेडी फैक्टर्ड आउट है, तो इसमें हम सिंगुलैरिटीज कैलकुलेट करें तो हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं, ठीक है। उन तीनों फैक्टर्स में आप देखें इसकी सिंगुलैरिटीज क्या आती हैं, जी इक्वल टू वन आ जाएगी, जी इक्वल टू -5 आ जाएगी, यानी इससे -1, इससे सॉरी +1, इससे -5 और इससे 2, ये सिंगुलैरिटीज आ जाती हैं। और इस वेक्टर की पावर 1 है तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो सिंपल पोल का बनेगा या 1, और इसका जो ऑर्डर बनेगा वो भी 1, और इसका ऑर्डर बनेगा 4। तो इस तरीके से हम पोल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है जो हमें पता होना चाहिए वो रेजिड्यू ऑफ फंक्शन है। जो रेजिड्यू होता है, इससे पहले हम लॉरेंट सीरीज पढ़ चुके हैं, तो लॉरेंट सीरीज में हमारे पास जो फंक्शन होता है उसको हम इस तरह की एक्सपेंशन में लिखते हैं। उस एक्सपेंशन में क्या होता है, पॉजिटिव पावर्स भी होती हैं और नेगेटिव पावर्स भी होती हैं। तो ये जो हिस्सा जिसमें पॉजिटिव पावर्स या जीरो पावर इंक्लूडेड होती है उसको हम एनालिटिक पार्ट कहते हैं, और ये जो हिस्सा जिसमें नेगेटिव पावर्स इंक्लूडेड होती हैं उनको हम सिंगुलर या प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। तो जो प्रिंसिपल पार्ट का जो फर्स्ट टर्म होती है यानी z-z⁻¹, उसका जो कोफिशियंट होता है उसको हम रेजिड्यू कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई कहे कि इस फंक्शन का रेजिड्यू कैलकुलेट करें तो उसकी जो लॉरेंट सीरीज है, लॉरेंट सीरीज का जो ये टर्म होगी b1 कोफिशियंट, इसको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू कहते हैं। अब जब हम फ्यूचर में इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो हम लाजमी नहीं है कि हम हमेशा लॉरेंट सीरीज जो है उसकी फाइंड आउट करें। हम डायरेक्टली जो है कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें अगर हमें पता हो कि इसमें पोल्स हैं या नहीं हैं, अगर पोल्स मौजूद हों तो उनका रेजिड्यू जो है वो हम कुछ खास फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। उनमें जो फर्स्ट फार्मूला है वो रेजिड्यू एट सिंपल पोल है, यानी अगर किसी फंक्शन में सिंपल पोल है और उस पर हमने रेजिड्यू कैलकुलेट करना है तो फिर जो है सपोज इफ फंक्शन हैज़ अ सिंपल पोल एट जी इक्वल टू जी नॉट, तो फिर जो रेजिड्यू है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट होते हैं। और इसको हम पढ़ते हैं रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी एट जी इक्वल टू जी नॉट, और वो इक्वल हो जाता है लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट इंटू z-z⁻ एफ ऑफ जी। अब हमें पता है कि जो एफ ऑफ जी है, ठीक है, वो हम अगर पोल हो तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 ओवर z-z⁻⁷। और यहाँ पे क्योंकि सिंपल पोल की बात हो रही है तो वो z-z⁻ हो जाएगा और साथ फाई ऑफ जी हो जाएगा, और ये फाई ऑफ जी एनालिटिक है एट z-0 पे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये जो z-z⁻ एफ ऑफ जी है इसमें क्या हो जाता है कि ये जो z-z⁻ है और ये -z-z⁻ ये आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं और हमारे पास सिंपल क्या रह जाता है, फाई ऑफ जी रह जाती है, और ये जो लिमिट है इसकी वजह से हमें ये कैंसलेशन जो है वो अलाउड हो जाती है। तो उसमें होता ये है कि अब हमें जो भी फंक्शन गिवन होगा जिसमें सिंपल पोल है तो हम क्या करेंगे, पहले उसको z-z0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन बाकी बच जाता है उसमें लिमिट पुट कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो असल में वही कोफिशियंट होगा जो लॉरेंट सीरीज का b-1 वाला कोफिशियंट है या b-1 वाला कोफिशियंट है। तो रेजिड्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ कि सपोज मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और उसके साथ कंटूअर गिवन है जी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1/2, और मैंने देखना है कि इस कंटूअर में जो है इसके अंदर कोई पोल्स हैं या नहीं है, अगर पोल्स हैं तो वो किस ऑर्डर के हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं सिंगुलैरिटीज कैलकुलेट करूंगा। सिंगुलैरिटीज कैलकुलेट करने के लिए z³ + z को मैंने क्या रख लिया, इक्वल टू 0, वहाँ से z·z²+1 = 0 आ जाता है, तो तीन सिंगुलैरिटीज आ जाती हैं, z=0, z±i। अब इन तीनों सिंगुलैरिटीज को मैं देखूंगा कि इनमें से कौन सी सिंगुलैरिटी है जो कंटूअर के अंदर लाया करती है। तो कंटूअर जो है वो एक सर्कल है z-z0 = r टाइप का, ठीक है, z-z0 = r टाइप के जो सर्कल होते हैं उनमें ये रेडियस होता है और ये उसका सेंटर होता है। तो यहाँ सेंटर जो है वो 0, 0 है और रेडियस जो है वो हाफ है। तो मैंने एक प्लॉट किया जिसमें इधर 1 है, इधर -1 है, इधर i होता है और इधर -i होता है, तो ये उनके हाफ से ये सर्कल जो है वो पास कर जाता है। तो अब मैं अपनी सिंगुलैरिटीज को अगर देखूँ तो मेरे पास जो सिंगुलैरिटीज थी वो z=0 थी, z=i होता था और z=-i होता था। तो सिर्फ z=0 जो है
वो इस डोमेन के अंदर लाए करती है। इसका मतलब है कि अगर पोल किसी पॉइंट पर हो सकता है तो वो जी इक्वल टू जीरो पे होगा। तो अब मैं फंक्शन को जो है फैक्टर आउट कर लेता हूँ और फैक्टराइज फॉर्म जो है उस फंक्शन की इसमें है। तो आप देखें ये जीरो वाली सिंगुलैरिटी है और इसकी पावर वन आती है। इसका मतलब है कि ये सिंपल पोल है। ये भी सिंपल पोल्स हैं लेकिन ये हमारे डोमेन में क्योंकि शामिल नहीं है इसलिए हम इनके बारे में बॉदर्ड नहीं है। तो अब हम रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे जी इक्वल्स टू जीरो पे। तो एफ ऑफ जी हैज अ सिंपल पोल एट जी इक्वल्स टू जीरो। तो अब हम क्या करते हैं, सो रेजिड्यू एट जी इक्वल्स टू जीरो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फंक्शन हमारे पास मौजूद है फैक्टराइज्ड फॉर्म में उसके साथ जी माइनस जी नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जी माइनस जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखें जी माइनस जीरो और ये जो सिंगुलैरिटीज हैं एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी और बाकी जो फंक्शन है उसमें लिमिट पुट हो जाएगी। बाकी आप लिमिट जी अप्रोचेस टू जीरो पुट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 × 0 + i, नीचे 0 + i और 0 - i, उनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो लिमिट है वो ये आ जाती है और ये इक्वल टू आयोटा आ जाती है। तो ये जो आयोटा होगा ये रेजिड्यू होगा एफ ऑफ जी का एट जी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपल पोल के अराउंड जो है वो रेजिड्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि अगर हमारे पास जो पोल है वो ऑफ ऑर्डर एम हो तो फिर किस तरह से हम जो है रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज़ करते हैं और वो फार्मूला ये है कि रेजिड्यू एट जी इक्वल टू जी नॉट एफ ऑफ जी जो है वो हमारे पास इक्वल है 1/(m-1)^2 लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट डी एम माइनस वन ओवर डी जी एम माइनस वन इंटू जी माइनस जी नॉट एफ ऑफ जी। ठीक है, हमें इस फॉर्मूले के तहत जो है वो रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। तो इसमें होता ये है कि हम उसका ऑर्डर एम फाइंड कर लेते हैं पोल का, उसके बाद जी माइनस जी नॉट पावर एम से, सॉरी ये यहाँ पे ये एम है, ठीक है, सिंगुलैरिटी से हम क्या कर देते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंगुलैरिटी और ये जो इसके अंदर जो सिंगुलैरिटी वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड आउट, और बाकी जो फंक्शन रहता है उसके हम क्या कर लेते हैं एम माइनस वन डेरिवेटिव ले लेते हैं और फिर लिमिट पुट कर देते हैं, इससे हमें रेजिड्यू कैलकुलेट हो जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है साइन ऑफ 2z/z6 और इसके हमने जो है रेजिड्यू कैलकुलेट करना है इसके पोल्स के ऊपर। तो इसकी एक ही सिंगुलरिटी है जी इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं देखूं जी माइनस जी नॉट यानी जी माइनस जीरो की जो पावर है वो यहाँ पे कितनी आ रही है, 6, इसका मतलब है इसका जो पोल है वो ऑर्डर 6 का है। तो अगर ऑर्डर 6 का है तो मैं जब इसमें वैल्यूज पुट करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लाता हूँ, ये फॉर्मूला मैंने दोबारा लिखा हुआ है ताकि आपको ये समझ आती रहे कि वैल्यूज किस तरह से पुट हो रही हैं। अब एम की वैल्यू हमारे पास 6 है तो ये आ जाएगा रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी एट जी इक्वल टू जी नॉट यानी जी इक्वल टू जीरो। ये आ जाएगा 1/5 × यानी 6 - 1/5 × लिमिट हमारे पास आ जाएगी जी माइनस जीरो, ठीक है, जी अप्रोचेस टू जीरो और यहाँ पे डेरिवेटिव 5 आ जाएंगे और यहाँ पे सिंगुलैरिटी की पावर जो है ये एम आ जाएगी। सॉरी मैं इस पे जो है सिंगुलैरिटी की पावर जो है ये एम लिख लेता हूँ, ठीक है, और ये 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये 6, जी 6 और जी 6 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएंगे और ये कैंसिलेशन होगी और बाकी हमारे पास ये फार्मूला बन गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज अंदर हैं इनके हमने 5 डेरिवेटिव्स लेने हैं। तो 5 डेरिवेटिव लेने के लिए मैं साइड पे वैल्यूज लिखता हूँ कि मैं जी ऑफ जी को जो है ले लेता हूँ साइन ऑफ 2z के। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो आ जाएगा 2 cos of 2z, उसका सेकेंड डेरीवेटिव जो आ जाएगा -4 sin of 2z। इसी तरह करते करते मैं इसके सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करूंगा तो जो इसका फिफ्थ डेरिवेटिव आ जाएगा वो आ जाएगा 32 cos of 2z। तो ये जो वैल्यू है फिफ्थ डेरिवेटिव की ये मैं उठा के इधर रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 1/5 × लिमिट जी अप्रोचेस टू जीरो 32 cos of 2z। अब ये मैं लिमिट इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा ये रेजिड्यू होगा इस फंक्शन का एट दैट सिंगुलैरिटी। तो इसी तरीके से अगर आपको एम एथ ऑर्डर पोल पे रेजिड्यू जो है कैलकुलेट करना हो तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंगुलैरिटीज को कैंसिल आउट करेंगे, जितने डेरिवेटिव्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे और लिमिट पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिड्यू आ जाएगा। रेजिड्यूज़ और पोल्स के बारे में पढ़ने के बाद अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम। ये थ्योरम जो है हमें गाइड करता है कि हम किस तरह से क्लोज कंटूर इंटेग्रल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी जो कंडीशंस हैं वो उसी तरह से हैं जिस तरह कॉशीज इंटेग्रल फार्मूला की है, ठीक है, कि हमारे पास फंक्शन जो है एनालिटिक है विद एंड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ विद इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ सी क्लोज कंटूर जो भी है,
और उसके अंदर जो है वो कुछ सिंगुलर पॉइंट्स हैं, फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स हैं जिन पे वो फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी अगर हमारे पास सपोज एक डोमेन है, इसमें थ्रू आउट जो है वो फंक्शन एनालिटिक होगा एक्सेप्ट कुछ फाइनाइट पॉइंट्स हैं C1, Z1, Z2, Z3 जिन पे ये एनालिटिक नहीं होगा, यानी ये इसकी सिंगुलैरिटीज़ होंगी। तो अगर इस तरह का जो है हमें क्लोज कंटूर मिले जिसके अंदर कोई फाइनाइट सिंगुलैरिटीज़ हों, तो फिर हम क्या करते हैं, कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। और वो थ्योरम ये कहता है कि जो क्लोज कंटूर है एफ ऑफ जी का, वो इक्वल हो जाएगा 2 पाई आयोटा। ये हमारे पास समीशन का सिंबल है और ये हमारे पास आगे एक सिंबल है जो रेजिड्यू का है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें ये जो जी आईज़ हैं ये सिंगुलैरिटीज़ हैं, मींस जितनी भी सिंगुलैरिटीज़ होंगी हम उन पे रेजिड्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और उनको एंड पे सम करेंगे। तो यही है कि रेजिड्यू ऑफ जी आई इज़ रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जी एट द सिंगुलर पॉइंट जी इक्वल्स टू जी आई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले को आसानी से याद रखने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि ये सिंपल है 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज़। तो अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो हम करेंगे ऐसे कि सबसे पहले हम फंक्शन जो भी होगा उसकी सिंगुलैरिटीज़ कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो पोल किस ऑर्डर के हैं, उसके हिसाब से उसका रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे और आखिर में इस फार्मूले में पुट कर देंगे, यानी रेजिड्यूज़ को सम करके 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास इंटेग्रल आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल है। इंटीग्रेट एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू टेन एट ऑफ जी ओवर जी स्क्वायर माइनस वन, और हमारे पास जो कंटूर गिवन है वो एक सर्कल है, ठीक है, 3/2 रेडियस का। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम करेंगे कि हम इसमें सिंगुलैरिटीज़ कैलकुलेट करेंगे। सिंगुलैरिटी के लिए उसी तरह से डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो रखा है, ठीक है, तो हमारे पास जी प्लस वन जी माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो आया है। यहाँ से जी की दो वैल्यूज़ आई हैं, माइनस वन और ज़ीरो, ठीक है, और उसको जो है मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ कि देखता हूँ कि कौन कौन सी सिंगुलैरिटीज़ जो हैं वो इनसाइड हैं या आउटसाइड हैं। तो ये जो सर्कल है ये क्योंकि 1.5 रेडियस का है, तो माइनस वन जो सिंगुलैरिटी है वो भी इनसाइड आती है और जो वन है वो सिंगुलैरिटी भी इनसाइड आती है। इसका मतलब है कि ये दोनों सिंगुलैरिटीज़ जो हैं ये इनसाइड द डोमेन है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शन हमारे पास मौजूद है उसको हम थोड़ा फैक्टर आउट कर लेंगे। इसको फैक्टर आउट करने से हमें ये समझने में आसानी होती है कि इसमें जो पोल्स हैं वो किस ऑर्डर के हैं। तो आप देखें जी प्लस वन के ऊपर जो पावर है वो वन है, इसका मतलब है कि इट हैज़ अ सिंपल पोल एट जी इक्वल टू माइनस वन, और जी माइनस वन के ऊपर पावर भी वन है, इसका मतलब है फंक्शन हैज़ अ सिंपल पोल एट जी इज इक्वल टू प्लस वन। इसका मतलब है कि दोनों सिंगुलैरिटीज़ के ऊपर हमारे पास क्या हैं, सिंपल पोल्स हैं। अब सिंपल पोल्स के ऊपर रेजिड्यू हम इसी वीडियो में कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। मैं तो वही फार्मूले जो है ना यहाँ पे यूज़ करूँगा, पहले रेजिड्यू कैलकुलेट करूँगा जी इक्वल टू माइनस वन पे, ठीक है। तो रेजिड्यू एट जी इक्वल टू माइनस वन एफ ऑफ जी हमारे पास इक्वल आ जाएगा लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट जी माइनस जी नॉट और आगे एफ ऑफ जी। अब क्या होगा कि हमारे पास ये जी प्लस वन जो है ये आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएंगे और बाकी जो कुछ भी है उसमें लिमिट पुट हो जाएगी, तो ये हमारे पास रेजिड्यू आ जाएगा एट जी इक्वल्स टू माइनस वन। तो ये जो है जी इक्वल्स टू माइनस वन लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ माइनस वन डिवाइड बाई माइनस टू। तो ये एक सिंगुलैरिटी के ऊपर रेजिड्यू कैलकुलेट हो गया। अब मैं दूसरी सिंगुलैरिटी की तरफ आता हूँ। दूसरी सिंगुलैरिटी में भी उसी तरह से वो सिंपल पोल है, तो सिंपल पोल वाला रेजिड्यू का फार्मूला लग जाएगा और अगेन अब जी माइनस वन आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएंगे और जो बाकी फंक्शन रहता है उसमें मैं लिमिट पुट कर दूंगा। तो यहाँ जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट ऑफ वन डिवाइडेड बाई टू। अब ये रेजिड्यूज़ जो हैं वो दोनों कैलकुलेट हो गए हैं, तो अब मैं जो है इंटेग्रल है वो फाइंड कर सकता हूँ बाय कॉशीज रेजिड्यू इंटीग्रेशन थ्योरम। वी हैव जो हमारे पास इंटेग्रल टेंजेंट ऑफ जी ओवर जी स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज़। ये रेजिड्यू माइनस वन पे है और ये रेजिड्यू वन पे है, तो इन दोनों की अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू टेंजेंट ऑफ माइनस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस टेंजेंट ऑफ वन डिवाइड बाई टू। इनको अगर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो इंटेग्रल का फाइनल आंसर आता है वो आता है 9.7855 आयोटा। अब ये जो एग्जांपल थी इसमें दोनों जो पोल्स थे वो सिंपल पोल्स थे। अब मैं एक ऐसी एग्जांपल करवाऊँगा जिसमें सिंपल पोल भी होगा और अदर देन सिंपल पोल भी होगा, यानी ऑर्डर ऑफ एम भी होगा। तो वो ये एग्जाम्पल है, कंसिडर करें कि हमने इंटेग्रल फाइंड करना है
फाइंड क्लोज कंटूर इंटीग्रल ऑफ जी प्लस वन ओवर जी फोर माइनस टू जी क्यूब, और जो कंटूर गिवन है वो है जी माइनस वन इक्वल्स टू टू। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो 1 0 है और उसका जो रेडियस है वो 2 है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए मेरी जो है प्लेलिस्ट में एक अलग से वीडियो है जिसका जो है टाइटल है वो है सर्कल्स एंड एनुलस इन कम्प्लेक्स प्लेन, उसको आप देखें तो आपको ये जो डायग्राम्स हैं ये ड्रॉ करना आ जाएंगी कि मैं किस तरह से देखता हूँ कि सिंगुलैरिटीज़ इनसाइड द सर्कल हैं या नहीं है। तो अब इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन को जो है थोड़ा फैक्टर आउट कर लेते हैं, और फैक्टर आउट करने के बाद उसकी सिंगुलैरिटीज़ कैलकुलेट करते हैं, यानी डिनोमिनेटर को हम इक्वल टू 0 रख लेते हैं। वहाँ से हमें जी की वैल्यू जो है एक 0 मिल जाती है और एक 2 मिल जाती है। अगर आप देखें कि जी इक्वल टू 0 से जो फैक्टर बनता है वो बनता है जी, तो जी की यहाँ पावर कितनी है 3। इसका मतलब है जी इक्वल टू 0 पे जो है वो थर्ड ऑर्डर का पोल है, और जी इक्वल टू 2 से जो फैक्टर बनता है वो बनता है जी माइनस 2, तो जी माइनस 2 पे पावर 1 है। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो इट हैज़ अ सिंपल पोल एट जी इक्वल टू 2। तो दो पोल्स हैं, एक ऑर्डर 3 का है और एक ऑर्डर 1 का है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास सिंगुलैरिटीज़ हैं ये इनसाइड द डोमेन हैं या नहीं है। ठीक है, तो z इक्वल टू 0 जो है ये हमारे पास इधर आ जाएगा, और z इक्वल टू 2 जो है ये हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेंटर क्या था, ये 1 था और उससे 2 रेडियस था, तो दो कट्स इधर आएंगे, दो कट्स इधर जाएंगे, दो कट्स ऊपर और दो कट्स नीचे, और उन चारों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से ये सर्कल ड्रा हो जाएगा। अब दोनों सिंगुलैरिटीज़ जो हैं वो इनसाइड हैं, इसका मतलब है दोनों पोल्स के ऊपर हमें रेजिड्यूज़ कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर कोई सिंगुलैरिटी आउटसाइड चली जाए तो उसके ऊपर हमें रेजिड्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो थ्योरम है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डोमेन के ऊपर करता है कि जो भी हमारे कंटूर की डोमेन है हम उसके अंदर जो है सिंगुलैरिटीज़ को उनका रेजिड्यूज़ फाइंड करते हैं। अब यहाँ बोथ सिंगुलैरिटीज़ लाई विद इन सी, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि एफ ऑफ जी हैज़ अ सिंपल पोल एट जी इक्वल्स टू 2 एंड एफ ऑफ जी हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट जी इक्वल्स टू 0। अब मैं बारी बारी इनके रेजिड्यूज़ कैलकुलेट करूँगा, और सिंपल पोल के लिए सिंपल पोल वाला फार्मूला लगेगा, और पोल ऑफ ऑर्डर 3 के लिए जो पोल ऑफ ऑर्डर m वाला है वो फार्मूला लगेगा। तो रेजिड्यू एट जी इक्वल्स टू 0, अब जाहिर है यहाँ पे जो ऑर्डर 3 था तो मैं फार्मूला लगाऊंगा रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी एट जी इक्वल्स टू 0 वन ओवर m माइनस 1 फैक्टोरियल, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट डी एम माइनस 1 ओवर डी जी एम माइनस 1 जी माइनस 0 पावर m और साथ फंक्शन, ये फार्मूला लग जाएगा। अब याद रखें कि ये जो सिंगुलैरिटी है ये सिंगुलैरिटी इसको क्या कर देगी, कैंसल्ड आउट। ठीक है, उसके बाद जो बाकी फंक्शन रहता है, अब आप देख लें उसके साथ कितने डेरिवेटिव्स हैं, इसके दो डेरिवेटिव्स हैं, तो हम इस फंक्शन को अलग से कंसिडर कर लेते हैं और जी ऑफ जी का नाम दे देते हैं इसको, और उसके दो डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो जी ऑफ जी हमारे पास इसके इक्वल है, और अब यहाँ पे हम इसको जी प्राइम ऑफ जी निकाल रहे हैं, यानी इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो इस पे क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल लगने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का, वही आ जाएगा फाइनल आंसर। अब यहाँ से हमने एक और डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव जो आएगा वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। तो हमने दो ही डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने थे, तो ये जो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है ये उठा के मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन हो जाएगी वो इस फॉर्म में बन जाएगी। अब सिंपली क्या करना है, मैंने ये लिमिट पुट कर देनी है, लिमिट पुट करने के बाद जो है मेरे पास रेजिड्यू का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -3/8। तो ये है रेजिड्यू एट जी इक्वल टू 0। अब जो दूसरा सिंगुलैरिटी थी दूसरी, वो जी इक्वल टू 2 थी, उसका सिंपल पोल था, तो मैं सिंपल पोल वाला फार्मूला लगा के उसका रेजिड्यू कैलकुलेट कर लूँगा। वो रेजिड्यू इसी तरह से होगा जिस तरह से हमने पहले कैलकुलेट किया है। अब ये जी माइनस टू कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, और बाकी जो फंक्शन होगा उसका कोई डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें लिमिट पुट हो जाएगी। तो अब दोनों सिंगुलैरिटीज़ पे मेरे पास रेजिड्यू आ गया है, एक पे रेजिड्यू -3/8 है और दूसरे पे रेजिड्यू 3/8 है। तो मैं कॉशीज इंटेग्रल जो है कॉशीज का रेजिड्यू थ्योरम लगा दूंगा, वो मेरे पास आ जाएगा जी प्लस वन ओवर दिस इज इक्वल टू 2π i सम ऑफ रेजिड्यूज़। तो एक रेजिड्यू -3/8 है और दूसरा रेजिड्यू 3/8 है, दोनों का सम जो है वो 0 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ये याद रखिएगा बच्चों के जो क्वेश्चंस हमने कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम से किए हैं एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस कॉशीज इंटेग्रल थ्योरम से भी हो सकते हैं।
ठीक है, सॉरी कॉशीज इंटेग्रल फार्मूला से भी हो सकते हैं, और कॉशीज इंटेग्रल फार्मूला जो है वो मैं उस पर पहले एक वीडियो कर चुका हूँ। तो अगर आपको टीचर जो है ऑप्शन देते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, जो मेथड आपको आसान लगता है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टीचर कह देते हैं कि आपने इसको किसी पर्टिकुलर मेथड से करना है, फिर आपने उसी पर्टिकुलर मेथड से ही उसको करना है। होपफुली आपको जो है रेजिड्यू जो है कॉशी रेजिड्यू थ्योरम वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह।